नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 22 का फर्स्ट पार्ट है, लेट पी थ्री बी ए स्पेस ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 3, डिटरमिन वेदर डब्ल्यू इज इक्वल टू ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए थ्री एक्स क्यूब सच दैट ए नॉट इज इक्वल टू जीरो इज अ सब स्पेस ऑफ पी थ्री। अब ये क्वेश्चन जरा जो हमने पिछले क्वेश्चन किए हैं उनसे डिफरेंट आ गया, ये अब पॉलिनोमियल्स का सेट है, पी थ्री जो है वो पॉलिनोमियल्स का सेट है। डिग्री 3 के पॉलिनोमियल से क्या मुराद है, जिसमें एक्स की हाईएस्ट पावर जो है वो क्या आती है 3, और उससे फिर कम होती जाती है पावर्स। मिसाल के तौर पे 2x³ + 7x² + 6x + 8, ये पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 है, क्योंकि एक्स की हाईएस्ट पावर 3 है और उसके बाद ग्रेजुअली एक्स की पावर्स कम होती जाती है। पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 में एक्स की पावर 3 ज़रूर होनी चाहिए और उससे बड़ी नहीं होनी चाहिए, बाकी एक्स स्क्वायर ना हो तब भी कोई मसला नहीं है, एक्स ना हो तब भी कोई मसला नहीं है, कांस्टेंट ना हो तब भी कोई मसला नहीं है। तो मेरा ख्याल आपको समझ आ गई कि जो अभी इसका स्पेस है पी थ्री वो क्या है, वो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 का सेट है। अब ये जो डब्ल्यू लिया हुआ है ये ऐसे पॉलिनोमियल्स का सेट है जिसमें कांस्टेंट ज़ीरो हो ए नॉट। मिसाल के तौर पे अगर मैं ये पॉलिनोमियल लिखूं तो आपसे पूछता हूँ 3x³ + x² - x + 8, तो मुझे आप ये बताएं क्या ये जो मैंने पॉलिनोमियल लिया है ये पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 है? है पोलिन, पहला जवाब तो ठीक आ गया, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 है। दूसरा जवाब मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या ये W में आएगा? W में किस किस्म के पॉलिनोमियल्स आ रहे हैं? डिग्री 3 के हैं, W में भी पॉलिनोमियल्स डिग्री 3 के ही आ रहे हैं, लेकिन एक ख़ास बात और है जी, कांस्टेंट ज़ीरो होगा। क्या इसमें कांस्टेंट ज़ीरो है? नहीं है, तो ये W में नहीं आएगा, वजह ये कांस्टेंट होगा, क्योंकि W में जो आ रहे हैं पॉलिनोमियल्स वो पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 3 तो हैं, लेकिन उनमें ख़ास बात है कि कांस्टेंट्स जो हैं वो सारे के सारे ज़ीरो हैं, इसलिए ये पॉलिनोमियल जो W में नहीं आता। अलबत्त अगर मैं इसको ऐसे कर दूँ, इसको थोड़ा सा स्लाइटली चेंज करूँ, 3x³ + x² - x, तो क्या अब आएगा? ये लाजमी तौर पर W में आएगा, ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट ज़ीरो है। अब मैं और चेंज करता हूँ, 3x² - x, क्या ये आएगा W में? आएगा, बिल्कुल आएगा। क्यों? क्योंकि W में आने के लिए दो शर्तें हैं, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 हो और उसकी कांस्टेंट टर्म 0। सॉरी ये नहीं, ये नहीं, ये मैं ये इसको ये कर रहा हूँ, 3x³ - x, हाँ ये वाला पॉलिनोमियल जो है ये लाजमी तौर पे W में आएगा। क्यों? दो शर्तें हैं, उसकी डिग्री 3 होनी चाहिए और कांस्टेंट 0 होना चाहिए। वो यहाँ पूरी हो रही थी, पॉलिनोमियल डिग्री 3 था, कांस्टेंट 0 था, यहाँ भी पूरी हो रही है, यहाँ नहीं हो रही, यहाँ कांस्टेंट आ रहा है। अब आपको समझ आ गई है। अब सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं, अगर आपको ये समझ आ गई है तो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सॉल्यूशन के लिए क्या करते होते हैं, जिसको हमने सब स्पेस साबित करना है उसके कुछ पॉइंट्स लेंगे दो। तो हमने सपोज कर लिया, लेट W W डैश कर लेते हैं, वन की बजाय W W डैश बिलोंग टू कैपिटल W, और इसी तरह अल्फा बीटा बिलोंग टू फील्ड, जिसके ऊपर भी वो वेक्टर स्पेस बनाई जा रही है, वेक्टर स्पेस बनाया जा रहा है, फील्ड ऑफ रियल नंबर्स ही है, रियल फील्ड ही, यानी बेसिकली ये सेट ऑफ रियल नंबर्स ही है, अल्फा बिलोंग टू आर। अब आप चूँकि W और W जो हैं W के एलिमेंट्स हैं, तो किस किस्म के होंगे? W जो है स्मॉल W, ये पॉलिनोमियल ही होगा ए नॉट प्लस ए वन एक्स, बल्कि इसको हम ए नॉट लिखते ही नहीं, फिर ए नॉट ज़ीरो लिख देते हैं, ज़ीरो जो लिखना है लिखते ही नहीं है, तो हम ये लिख देते हैं, ये ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए थ्री एक्स क्यूब। इसी तरह
जो हमारे पास w डैश है वो क्या हो जाएगा, a1 वन डैश एक्स प्लस ए टू डैश एक्स स्क्वेयर प्लस ए थ्री डैश एक्स क्यूब। बात समझ आ गई आपको, w के जो w जो पॉलीनोमियल का सेट है उसमें ऐसे पॉलीनोमियल आ रहे हैं जिनकी डिग्री थ्री है और कांस्टेंट जीरो है, तो मैंने ले लिए। नेक्स्ट मैंने कंसिडर करना है एल्फा डब्ल्यू प्लस बीटा डब्ल्यू डैश, ये मैंने कंसिडर किया। तो क्या होगा, एल्फा डब्ल्यू क्या है जी, ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वेयर प्लस ए थ्री एक्स क्यूब प्लस बीटा ए वन डैश एक्स प्लस ए टू डैश एक्स स्क्वेयर प्लस ए थ्री डैश एक्स क्यूब। ये मेरे पास आ गया एल्फा प्लस एल्फा डब्ल्यू प्लस बीटा डब्ल्यू डैश। मुझे अब ये देखना है कि स्ट्रक्चर वाइज ये क्या उसमें आएगा। अब ये मेरे पास हो क्या जाएगा, एल्फा ए वन एक्स प्लस एल्फा ए टू एक्स स्क्वेयर प्लस एल्फा ए थ्री एक्स क्यूब। इसको और फिर ये ऐड भी अगर सारा कर ही नहीं रहे, मैं अगर सिंपलीफाई इकट्ठा ही कर लूँ स्टेप सारा, अल्फा को इससे मल्टीप्लाई कराऊँ और बीटा को इससे मल्टीप्लाई कराऊँ और कॉमन लूँ तो कोई मसला तो नहीं है। यानी ये मेरे पास आ जाएगा अल्फा ए वन प्लस बीटा ए वन डैश और एक्स कॉमन आ जाएगा, अल्फा ए वन प्लस बीटा ए वन डैश एक्स कॉमन आ गया, अल्फा ए टू एक्स स्क्वेयर आएगा प्लस बीटा ए टू डैश एक्स स्क्वेयर आएगा, एक्स स्क्वेयर कॉमन ले लें, अल्फा ए टू प्लस बीटा ए टू डैश एक्स स्क्वेयर प्लस अल्फा ए थ्री प्लस बीटा ए थ्री डैश एक्स क्यूब। तो मुझे आप ये बताएं कि जो अब आंसर आया है क्या ये पॉलीनोमियल ऑफ डिग्री थ्री है, ये पॉलीनोमियल ऑफ डिग्री थ्री है, इसमें कांस्टेंट टर्म ज़ीरो है, ज़ीरो है कांस्टेंट टर्म जो है एक्स के साथ बगैर जो थी वो ज़ीरो है। तो अगर ये पॉलीनोमियल ऑफ डिग्री थ्री भी है और कांस्टेंट टर्म ज़ीरो भी है तो फिर ये किस में पहुँच गया, ये तो पहुँच गया ना डब्ल्यू में, बराबर ये किसके था, अल्फा डब्ल्यू वन प्लस बीटा डब्ल्यू डैश, अल्फा डब्ल्यू प्लस बीटा, यानी अल्फा डब्ल्यू प्लस बीटा डब्ल्यू डैश डब्ल्यू को बिलोंग कर गया। इसका मतलब है डब्ल्यू इज़ अ सब स्पेस ऑफ पी थ्री, जो हमने स्पेस ऑफ पॉलीनोमियल्स ऑफ डिग्री थ्री ली थी उसकी ये क्या है, सब स्पेस है।